नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। अल्मोड़ा के विकास खंड भिकियासेण के राजकीय कॉलेज बतरौज खान में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर प्रकाश चंद्र, सचिव पद पर उमा आर्य, कोषाध्यक्ष पद पर शिवानी पांडे, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर विशाल भारती निर्वाचित हुए। प्रिंसिपल ने बताया कि कॉलेज में चार पदों पर नामांकन किए गए, जिनमें तीन पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद पर ही चुनाव हुआ जिसमें प्रकाश चंद्र अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अल्मोड़ा तहसील को पुराने कलेक्ट्रेट में वापस लाने की मांग को लेकर जिला व्यापार मंडल ने 26 दिसंबर को बाजार बंद का ऐलान किया। बाजार बंद को सफल बनाने के लिए व्यापार मंडल ने बैठक आयोजित की, जिसमें छात्र संघ ने भी इस बंद का समर्थन किया। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि आहूत बंद को सफल बनाने के लिए सभी संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। हमारी डिमांड यही है कि जिस तरीके से तहसील को 8 किलोमीटर दूर ले जाया गया है, उस ऐतिहासिक तहसील को वापस मल्ला महल में स्थापित किया जाए। उन कानों को खोलने के लिए आज हमने इस बंद का आह्वान किया है। इस बंद में चाहे टैक्सी यूनियन हो, चाहे मॉल हो, चाहे फड़ हो, चाहे सभी सामाजिक संगठन है, सबने हमारा साथ दिया है। और मैं छात्र संघ को पुनः बधाइयां दूंगा। आज जो हमारी बैठक थी, सभी छात्र संघ के पदाधिकारी इसमें आए हैं और इन्होंने भी हमें भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया है कि हमारे साथ जनहित की इस लड़ाई को ये कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ लड़ेंगे। मैं इसलिए इनका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक बडन मेमोरियल चर्च में क्रिसमस का पावन पर्व मनाया गया। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में चर्च में बच्चों, युवाओं ने पहुंचकर ईसा मसीह को याद किया। सुबह ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु से मानव जाति के कल्याण की कामना की। ईसाई समुदाय के लोगों ने यीशु मसीह की ओर से शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए किए गए कार्य और बलिदान को याद किया। प्रार्थना से पहले कैरल सिंगिंग की गई। अल्मोड़ा का बडन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च काफी ऐतिहासिक चर्च है। पादरी रहे रेवरेंड जे एच बडन, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई थी, उन्होंने याद में साल 1897 से इस चर्च का निर्माण किया गया था। यह चर्च नगर के बीचों बीच स्थित है। क्रिसमस के अवसर पर चर्च को आकर्षक रूप से सजाया गया। क्रिसमस डे जो कि बड़े दिन का त्यौहार है, प्रभु यीशु ख्रीस्ट इस जहान में पैदा होते हैं एक कुंवारी के द्वारा, और उसकी पैदाइश में पूरी दुनिया आज क्रिसमस के इस पर्व पर सराबोर है और वो क्रिसमस को बड़े ही आनंद के साथ सेलिब्रेट कर रही है। ख़ास तौर पे ये एक ख़ास इंतज़ाम है जो कि खुदावन के द्वारा इंसानी ज़िंदगी के लिए है, जो कि एक उद्धार के काम के लिए यीशु ख्रीस्ट को इस जहान में भेजा जाता है। उत्तरकाशी के शीतकालीन प्रवास मुखवा और हर्षिल वैली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। यह बर्फबारी पर्यटक के लिए खुशखबरी है। वहीं सफेद चादर में मां गंगे के शीतकालीन प्रवास मुखवा में पहली बर्फबारी से होटल व्यवसाय के चेहरे खिल उठे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह का शुभारंभ अल्मोड़ा जनपद के सभी तहसीलों और विकास खंड में किया गया, जिसमें प्रशासन की तरफ से गांव की समस्याओं को लेकर चौपाल लगाई गई और लोगों की शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया। वहीं जिलाधिकारी वंदना ने अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र आरतोला में इसका शुभारंभ कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने महिलाओं से भी चर्चा की। आज
11 स्थानों पर सभी 11 ब्लॉक में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत विभिन्न विभागों के द्वारा ग्राम जन चौपाल के रूप में सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ आरतोला में भी हम लोगों ने एक चौपाल का आयोजन किया है और यहाँ लगभग 40 शिकायतें विभिन्न ग्राम प्रधानों की, जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्राप्त हुई हैं, जिनके लिए विभागों को निर्देशित किया है। उत्तराखंड सरकार के सुराज कार्यक्रम योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के अपर सचिव के नेतृत्व में चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों की मूलभूत और क्षेत्र संबंधी शिकायतों पर सुनवाई की गई। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ओमकार सिंह के अलावा क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट सहित कई अधिकारी सुनवाई की गई। युवाओं ने एकत्र होकर संयुक्त पत्र के जरिए नशे के खिलाफ शिकायत करते हुए उस पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ओमकार सिंह ने ग्रामीणवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम ग्रामीण वासियों को स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान देकर पर्यावरण के हित में वृक्षारोपण करना चाहिए। वहीं खाद्य पूर्ति विभाग संबंधी कई समस्याओं का भी मुद्दा उठाया गया, जिस पर पंचायती राज विभाग के सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इसके निस्तारण करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार महात्मा गांधी जी, अटल जी, सबकी जो ग्राम स्वराज की अवधारणा का जो एक विचार था कि गांव में अधिकारी जाए, सरकार गांव जाए, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो। मैं खुद गांव से हूं, इसलिए मैं इनकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और कई समस्याएं आपके द्वारा बताई गई, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। स्वच्छता पर्यावरण, यदि स्वच्छता स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे हमारे भारत सरकार। तो वहीं बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आलम यह है कि सड़कों पर वाहन रेंगने को मजबूर है, तो वहीं लोग घरों में कैद हो गए हैं। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में शुरुआती कोहरे ने बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को भी अपने ऑफिस जाने में परेशानी सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि सरकार ने किसी भी तरह के अलाव मुहैया नहीं कराई है। ठंड का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि दो चार दिन से लगातार ठंड बढ़ने मारी है और यह देखा जा रहा है कि लकड़ी मंडी भी बंद है पूरी, और भी मार्केट सब बंद पड़ी है, और जो कि वाहन है वो भी बहुत काफी धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि ठंड का देखते हुए कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और ये देखते हुए प्रशासन से हमारा कहना है कि जो छुट्टियां आए छोटे बच्चों छुट्टियां कर दी जाए, क्योंकि ठंड की आपको पता ही है यहाँ ठंड बढ़ रही है, आज दिन ठंड बढ़ने में ही है। यहाँ प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, रागी लोग आ रहे हैं दूर से, सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल से जा रहे हैं, विजिबिलिटी बड़ी शून्य चल रही है जसपुर में भी, और यहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो जिससे लोगों को अपना अपना अलाव खुद जलाना पड़ रहा है। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि आप जो है हर चौराहों पर, मुख्य बाजार में, मुख्य मार्गों पर अलाव की व्यवस्था करें, जिससे राहगीरों को भी परेशानी ना हो। सुभाष चौक पर भी मैं देख रहा हूँ कि लोग अलाव अपने अपने जला रहे हैं। तो वही चंपावत में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने आपको सुनाते हैं। इस चौपाल में आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी भाई बहनों को आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, दिशा निर्देशन में हम सबके लिए यह दिन और भी महत्व का दिन है, क्योंकि आज हम उत्तराखंड राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से हम अपनी व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं, अपने विकास के काम कर पा रहे हैं, नए नए कार्यक्रम लागू कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको यह राज्य दिया था, उनके प्रधानमंत्री काल में ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, जिसके लिए यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के जन जन ने एक लंबा संघर्ष और लंबा आंदोलन किया था, और उस आंदोलन को, यहाँ की मांग को, यहाँ की जरूरत को समझते हुए और उस समय विचार करते हुए हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य बनाया और उत्तराखंड राज्य हमको दिया, और अटल जी ने जो राज्य बनाया उस राज्य को आगे बढ़ाने का काम, उसको संवारने का काम, उसको विकास की गति देने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हमने भी संकल्प लिया है कि अटल जी के सपनों का उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हम संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा संकल्प है उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने का, एक आगे की पंक्ति वाला उत्तराखंड बनाने का। हमारा संकल्प है हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में उत्तराखंड बने, उसके लिए परिश्रम करना है। इसके लिए हमें प्रदेश के एक एक कोने को विकसित करना है, एक एक कोने को आगे बढ़ाना है, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, तभी हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। हमें अपने मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, रखना होगा, और वो जो मुख्य लक्ष्य है उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। आप सभी के सहयोग और समर्थन से सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का जो महायज्ञ हमने शुरू किया है, वो माता पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, शारदा मैया के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से सफल होगा। भाइयों बहनों, मैंने मुख्य सेवक के रूप में अपने प्रत्येक क्षण को इस कार्य को, एक एक पल को उत्तराखंड राज्य की जन सेवा में, जन कल्याण में और सुशासन के लिए समर्पित किया है, और मैं आगे भी आपकी सेवा के लिए, उत्तराखंड राज्य की सेवा के लिए इसी प्रकार तत्पर रहूंगा। हमारा लक्ष्य भी अंत्योदय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का लक्ष्य अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, हमारी योजनाएं पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, उसको चरितार्थ करना है। हमारा प्रण भी अंत्योदय है, प्रण भी अंत्योदय है, और हमारा पद भी अंत्योदय है, और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति तक हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ते जाएंगे, हमारे कदम थमेंगे भी नहीं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास के लिए हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रही है। लगातार सतत रूप से नई योजनाओं को बनाने का काम हो रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक कार्य संस्कृति पैदा हुई है कि लोगों को काम करना है, हर किसी को समर्पण भाव से अपनी सेवा देना है, जो अपने अधिकारियों से भी अभी 3 दिन का जो हमने चिंतन शिविर किया था, उस चिंतन शिविर में भी सभी अधिकारियों से हमने कहा है कि 10 से लेकर 5 बजे तक की जो कार्य संस्कृति है, ये कार्य संस्कृति बदलनी होगी। अपने आप को जनसेवा के लिए समर्पित करना होगा। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी योजनाएं देश के अंदर लागू की हैं, वो सारी की सारी योजनाएं आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, जिन भाई बहनों को, हमारे गरीब लोगों को जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, उन योजनाओं को देने का काम किया है। चाहे वो आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो हमारे बहनों के लिए उज्ज्वला योजना हो जिसमें हर किसी को गैस का सिलेंडर देने का काम हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो जिसमें घर घर में शौचालय बनाने का काम हुआ है, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक भाई बहन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख के इलाज की गारंटी सुनिश्चित की है, चाहे कोरोना महामारी हो, 1 डोज मुफ्त में लगाई गई, 2री डोज भी मुफ्त में लगाई गई, और 3री डोज बूस्टर डोज के रूप में ही मुफ्त में लगाई जा रही है। भाइयों बहनों, अभी कोरोना ही रुका नहीं है, कोरोना महामारी ने फिर से दस्तक दी है। हमने भी ये फिर से इस अभियान को रुकने नहीं देना है। जो कोरोना का हमारा वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ था, वो काम फिर से तेजी से चलेगा। पहले भी हमारी 1 डोज 2 डोज पहले ही लग चुकी है, 3री डोज भी
लगाई जा रही है और हमने सबसे अनुरोध किया है सरकार की तरफ से, हम तीसरी डोज लगाने का काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी दो दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना थी, गरीब कल्याण अन्न योजना को इस अगले एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा। एक साल तक अभी सभी लोगों को जो 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम था, उस योजना को लगातार जारी रखा जाएगा। भाइयों बहनों, आज देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जरा आज हमको पूरे भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर हर भारतवासी के मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। एक समय था जब हम दुनिया के देशों के सामने अपने देश की बात भी नहीं कर पाते थे। हमारे देश के प्रतिनिधि जाते थे तो वैश्विक मंचों पर कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता था, कोई उनकी बात भी नहीं सुनता था। एक तबका भारत था, और 2014 के बाद का भारत ऐसा भारत जो आज समरस भारत है, समर्थ भारत है और शक्तिशाली भारत है, और ऐसा भारत जो दुनिया का भी नेतृत्व करने के लिए हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। आज जब कोरोना महामारी के समय में दुनिया के देश उनकी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही है, भर भरा कर गिर रही है, उनके देश की ग्रोथ रेट कम हो रही है, वहीं भारत की ग्रोथ रेट लगातार जारी है, लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और बढ़ ही नहीं रही है। जहां हम 12वें नंबर पर, 13वें नंबर पर, 15वें नंबर पर देश की दुनिया की अर्थव्यवस्था में होते थे, आज हम वहां से आगे आकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, 5वें नंबर पर आ गए। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, ये नया भारत आज जो हमारे दुनिया के G20 के देश हैं, उन G20 के देशों की अध्यक्षता करने का काम, अध्यक्षता का भी जो है नेतृत्व का काम, वह भी भारत को मिल गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है लोकल फॉर ग्लोबल, वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जो अटल जी सोचते थे, जो उनके स्वप्न थे, उन सारे सपनों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हम सेना की बात करें, एक समय था, आप देखिए सेना का एक समय होता था कि अगर आतंकवादियों की, जिहादियों की, दूसरे देश के सैनिकों की गोलियां हमारे सैनिकों को लग जाती थी, वो शहीद हो जाते थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते थे। उनको पूछना पड़ता था कि हम गोली का जवाब दें कि न दें, महीनों लग जाते थे लेकिन गोली का जवाब देने के लिए जवाब नहीं आता था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद आज कोई भी देश का कोना हो, कोई भी सीमावर्ती क्षेत्र हो, अगर दुश्मन की गोली आती है, आतंकवादी जिहादी की गोली आती है, अलगाववादी गोली आती है, तो भारत की सेना गोली का जवाब गोली से नहीं देती है बल्कि गोलों से देने का काम करती है। यह है नया भारत। अभी अभी हमने देखा तवांग की घटना हो, चाहे गलवान की घटना हो या पुलवामा की घटना हो, हर घटना के बाद इस प्रकार का जवाब भारत की सेना ने दिया है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कालखंड था, उस कालखंड में भी हमको बहुत अभूतपूर्व रूप से भारत को तमाम प्रकार की योजनाएं मिली है। देश के अंदर संचार की क्रांति का दौर उनके समय में शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उनके कालखंड में प्रारंभ हुई, देश के अंदर कोई सैनिक शहीद होते थे, उन शहीदों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घरों तक पहुंचाकर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न करवाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में प्रारंभ हुआ था। और इतना ही नहीं, जो युद्ध हमारी सेना युद्ध के मैदान में जीतती थी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में भारत की सेना ने हमेशा विजय श्री प्राप्त करी।
हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, लेकिन जब भी सेना जीतकर आती थी वो सारे के सारे युद्ध समझौतों की मेज पर हार दिए जाते थे, चाहे वो कोई भी युद्ध रहा हो। पहला युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का ऐसा है, कारगिल का युद्ध, जिसको सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और समझौते की मेज पर भी जीतने का काम किया। भाइयों बहनों, आज हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। 1974 के बाद लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन देश के अंदर परमाणु का परीक्षण नहीं हो पाया, वो रुका रहा, क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री आए वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हमको कैसे काम करना है, हमको किस दिशा में काम करना है, परमाणु का परीक्षण करना है कि नहीं करना है। दुनिया के देशों के सामने झुक जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय भी तय किया कि हम भारत के लोग अब झुकेंगे भी नहीं, रुकेंगे भी नहीं, दबाव में भी नहीं आएंगे, और देश के वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि पोखरा में परीक्षण करिए। उसी का परिणाम है कि आज भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य उस समय में हुए हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रही है। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण, सुरक्षा एवं आधुनिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष अभियानों को चलाया जा रहा है। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नीतिगत योजनाओं का खाका हम तैयार कर रहे हैं। हमारी विकास की योजनाओं के केंद्र में हमारे युवा है, नौजवान है, किसान है, और हमारी जो बड़ी संख्या में इस प्रांगण में दिख रहा हूं हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अभी हमने लखपति योजना प्रारंभ की है, जिससे कि हमारी 1,25,000 बहनों को हम 2025 तक लखपति बनाएंगे, और विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उनके रोजगार बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, जब तक हमारे युवा, किसान और हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक विकसित उत्तराखंड की राह पर सुनिश्चित नहीं होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही विजन है कि उन्हीं के मार्गदर्शन में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जिस गति से आज हमारे प्रदेश के अंदर सड़कों का निर्माण हो रहा है, अभी भाई गणेश मेहर कह रहे थे, इन्होंने उचोली कोट वाला, हमारा केरोड़ा नाला और तमाम अभी उल्लेख नहीं किया, अगर उसका उल्लेख भी करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, हमने कम से कम 100 से भी ज्यादा घोषणाएं यहाँ के लिए कर दी। तो चंपावत से आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां पर सुशासन दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने कोविड से लेकर तमाम अपनी सरकार की जो भी है कार्य गिनवाए और कहा कि कोविड में जिस तरह से सरकार ने काम किए हैं वो एक सराहनीय कदम है, जिसने देश को आगे बढ़ा दिया और पीएम मोदी के नेतृत्व में अब देश जो है आगे बढ़ रहा। तो वहीं चंपावत में दूसरी तरफ किताब कौतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। हमारे यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री निर्मल जी, बाहर से आए हुए हमारे श्री, जिन्होंने इस पुष्पक मेले को आयोजन करने में अपना बहुत योगदान दिया है, श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी, हमारे सिने अभिनेता और पिथौरागढ़ के रहने वाले हमारे भाई श्री हेमंत पांडेय जी, श्री चंद्रकांत जी और देवा भट्ट जी, जेसी भट्ट जी, डॉक्टर जेसी भट्ट जी, किरोला जी, गीता किरोला जी, सरस्वती कोहली जी, कैलाश कुमार जी, उमेश पंत जी, राजेश भट्ट जी, गुंजन कफलटिया जी, चंद्रशेखर करवेती जी, श्री गणेश जोशी जी, हमारे पिथौरागढ़ के श्री हेम पंत जी, हमारे सभी यहाँ पर आए हुए अतिथि हैं, सभी कार्यक्रम को आयोजन करवाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, सभी हमारे दीदी यहाँ के चेयरमैन, हमारी हमारे बिपिन भाई बनबसा के चेयरमैन जी, हेमा जोशी जी, तमाम सारे हमारे सभी नेतागण जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं सबसे पहले और जिनके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारे सभी मेरे प्यारे प्यारे
और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।